नमस्कार दोस्तों, समय है 8 बजे का। समय है अपने फेवरेट सेशन एनसीईआरटी का। मेरा फेवरेट बहुत सेशन है ये, क्योंकि यहाँ मौका मिलता है मुझे आपसे अपनी बात कहने का। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। स्वागत करूँ पहले आपका मैं जोर से रहा। स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी यूपीएससी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। बहुत कुछ चेंज कर दिया है हमने अब तक। बात करेंगे, बहुत सारे सेशन चेंज हो चुके हैं अब तक। समय है अपने 8 बजे का। तो सुबह से द हिंदू सेशन हो गया, PIB हो गया, MCQ जस्ट अभी खत्म हुआ कुछ देर पहले। तो जो लोग साथ में थे वो थैंक यू वेरी मच, जो नहीं थे वो कल से रहेंगे साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। आज के सेशन की बात करें क्या है आपके साथ। आपको याद होगा आज है ज्योग्राफी 7th क्लास चैप्टर नंबर 4 NCERT। कल के लिए विशेष सूचना सुन लीजिए आराम से, फिर मत कहिएगा सब बताया नहीं था आपने। कल जो हमारा सेशन होगा वो 8 बजे नहीं होगा, कल मैं मिलूँगा आपसे 7 बजे। 7 बजे चर्चा होगी आपसे कल MCQ प्लस NCERT को, दोनों को मिलाकर ज्योग्राफी की NCERT और MCQ में क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के। तो मैंने कहा दो सेशन में क्यों लूँ बैक टू बैक ज्योग्राफी, इससे बेहतर एक सेशन कंबाइन कर दिया जाए। तो 7 से लेकर लगभग आधे घंटे आपके साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, टाइम पास करेंगे, बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, एक आध क्वेश्चन भी देख लेंगे आपके साथ। ठीक है, तो हल्का रहेंगे हम लोग MCQ प्लस ज्योग्राफी के मिलाकर बात करूंगा मैं। कल ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पढ़ लीजिएगा अगस्त करंट अफेयर्स, पढ़ाया गया अलग चैनलों पर, पढ़ाया गया हमारे चैनल पर भी, वहाँ भी सुन सकते हैं आप। प्लीज़ पढ़ के तैयार होकर आइएगा, कल 7 बजे आपको समय दूंगा मैं आपके जवाब देने के लिए। चालू करें दोस्तों हम लोग। पहला क्वेश्चन NCERT का, ठीक है चलो दोस्तों चालू करते हैं हम लोग। कल चालू करते हैं सेशन, तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए पहले ही आप लोग, लाइक कर दीजिएगा जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। CO2 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। सही है, ग्रीन हाउस गैस के अभाव में पृथ्वी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना संभव हो जाता। विदाउट ग्रीन हाउस गैस द अर्थ कुड हैव टू बी कोल्ड टू लिव इन। सही लग रहा है, कारखानों व कारों धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम, द हीट इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में? मजा आ गया, फिर किसी ने PDF पूछ लिया यार, मतलब छोड़ेंगे नहीं मेरा पीछा आप लोग यार, मतलब क्या चाहते हैं यार। बाद में बात करा करो उस सेशन में, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, डिलीट कर सको उस समय। ठीक है चलिए, तो प्लीज़ क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम लोग। नोटा, नोटा वाला भी है कोई यहाँ पर? अच्छा यार कैसी बातें करते हैं आप लोग, मतलब नोटा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। असत्य कथन कौन सा तीनों से लग रहे हैं? नौ दो ठीक होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर डी होना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही जवाब नोटा वालों का, सही कहा आप नोटा वालों ने, इसका आंसर डी सही है। सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, चलने दीजिए। सभी के आंसर सही है, मनीष, रॉक, गोपेश, शीतल, देवेंद्र, आरती, शिखा, सबके आंसर बहुत बढ़िया है। चले यहाँ पर हमारा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज्ञान की बात। ज्ञान की बात यह है कि CO2 का स्तर कितना होता है, तो चलेंगे आपको लेकर एनवायरमेंट स्पेशल क्लास में, अपनी एनवायरमेंट लेके चलूंगा मैं, IAS मंत्रा चलेंगे एनवायरमेंट क्लास में आपको लेकर, मंत्रा क्लास एनवायरमेंट फोल्डर एनवायरमेंट चलेंगे 2016 में, 2016 में चलेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज में, ग्रीन हाउस गैसों में, और फिर आएंगे आपके साथ यहाँ पर। एंड पॉइंट बात है CO2 लेवल कितना है एटमॉस्फेयर में। तो CO2 लेवल याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले का डेटा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये 10-15 दिन पुराना डेटा, 50 पुराना डेटा नहीं है ये, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना CO2 का स्तर कितना हो चुका है, 415.26 पार्ट्स पर मिलियन PPM। यानी आपके एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर, मेरा एटमॉस्फेयर ये है, हमारे एटमॉस्फेयर में 2019 में CO2 का स्तर कितना हो चुका है मालूम है? 1,000,000 पार्टिकल में 415 पार्टिकल। जी हाँ, ये होना चाहिए 300 के आसपास, होना चाहिए 350 से कम, आज से कुछ साल पहले। अभी कितना देख रहे हैं, 415 दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीछे ले चलूँ मैं अगर आपको यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये कितना होना चाहिए था, ये 1955 में था, आप देख रहे हैं लगभग नीचे बिल्कुल आके देखेंगे 310 दिख रहा है आपको, बढ़ता गया 350 लिमिट तोड़ी, 400 तोड़ी, आज पहुँच गया 415 पर। ये तो दिखा रहा है कि CO2 कितना तेज़ी से बढ़ रहा है आपके, मेरे लिए खतरनाक है CO2, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या बफरिंग हो रही है दोस्तों? बफरिंग तो नहीं हो रही है, बफरिंग हो रही है क्या? नहीं ना। चलिए 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 सुन लीजिए, तो होना चाहिए 0.03, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने दोस्त, 0.03। प्रीति सही कह रही हैं, अमन भी ठीक कह रहे हैं, देव भी ठीक कह रहे हैं, शिखा, रूबी सब सही कह रहे हो आप लोग, लेकिन ये 0.03 जो है कितने में, 100 में है 0.03 दोस्त, 100 में 0.03, 1,000,000 में कितना, 300, 0.03 100 में, 100% 0.03, तो 1,000,000 में कितना हुआ, 300। जी हाँ, 300 होना चाहिए था, कहाँ पहुँच गया है वो, 415 417 पर। यह है खतरनाक बात, यह है खतरनाक बात, याद रखिएगा।
और यही मेरा चर्चा का चिंता का विषय है, यही है ग्लोबल वार्मिंग का असली कारण। तो 415 पहुंच गया है, ये चिंता बात है हमारे पास। 0.04 हो गया, यानी कि कहा जाए तो हो भाई बात। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। एक ढूंढिएगा नेट पर मिल जाएगा, टाइप करिएगा ओके, ओके वाला साबुन था ना पहले, लाइफ ओके वाला, ओके साबुन टाइप कीजिएगा, ओके प्लस ग्लेशियर, ढूंढिएगा क्या मिलता है आपको, और ओके ग्लेशियर का फोटो मिलेगा आपको। उसके बाहर एक प्लेट लगी है 415 की, लिखा है 415, बस जैसे श्रद्धांजलि देते हैं किसी नाम लिखते हैं बाहर कि आदमी की डेथ हो गई इस कारण से, या उसका नाम लिखा होता है, ऐसी ओके ग्लेशियर का नाम लिखा है 415 का। ढूंढिएगा ओके ग्लेशियर क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा आपको, जानकारी मिलेगी ओके ग्लेशियर के बारे में आपको। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ज्ञान देता रहता हूँ बीच बीच में आपको, मैं अपनी ज्ञान देता रहता हूँ, इससे आपको लगे कि आप एक्स्ट्रा क्लास में बैठे हैं, आपको लगे मजेदार क्लास में बैठे हैं आप, वरना एनसीईआरटी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, नाइट्रोजन के बारे में सत्य कथन पहचानना है, वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू आवर लंग्स एंड एक्सहेलेट, हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन आ जाती है फिर बाहर निकाल देते हैं, पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे प्लांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, व्हाट यू से अबाउट द नाइट्रोजन गैस, 1, 2, 1, 2, 3, व्हाट अबाउट से, क्या बोलेंगे दोस्तों आप लोग मेरे साथ यहाँ पर, क्या कहेंगे यार, मेरी चर्चा करें ना क्लास में आप, बाकी लोगों की चर्चा करें तो कैसे काम चलेगा, मुझसे चैट करें यार आप लोग, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ आपका, संदीप सर नहीं देख रहे हैं चैट बॉक्स, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स आपका, तो प्लीज़ यार कुछ तो सम्मान कर लो टीचर का। ठीक है, आप पर्सनल चैट करेंगे तो देखो मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो आंसर क्या बोलेंगे इसका, मेरे ख्याल से इसका सत्य कथन पूछा है तो एक और तो ठीक लग रहा है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं हवा से, ऐसा होता तो क्यों डालते हम यूरिया, क्यों डालते हम नाइट्रोजन उसके अंदर उसकी जड़ों में, और हवा में नाइट्रोजन सीधा ले लेते हो अगर तो क्यों डालना पड़ता यूरिया हमको, यानी पौधे हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते, वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया वो लेते हैं, कहना चाहिए मुझे नाइट्रोजन को। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन देनी पड़ती है जब मिट्टी में, मिट्टी से पहुँचती पेड़ों में, हवा से नहीं आती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी यानी 1 और 2 सही है, सी गलत है, प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं हवा से। चलेंगे दोस्तों आगे हम लोग यहाँ से, बैक्टीरिया से सही का जस्मिन आपने, बैक्टीरिया से आती है नाइट्रोजन, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे यहाँ पर, ओनली 1 और 2 मंगेश भी ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आगे चलेंगे स्पीड में। टाइमर बता रहा है खुशी क्या हो गया आपको, डेली टाइमर हो जाता है आपका, कैसा क्या हो गया, मैं बात करता हूँ टीम से अपनी, टाइमर ना किया जाए किसी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में सत्य कथन बताइए मुझे, ऑक्सीजन के बारे में सत्य कथन बताइए, क्या है ऑक्सीजन का सत्य कथन। दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे हैं यार, मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, मतलब मैं सेशन बंद कर दूं ये, या मेरे मन की बात भी सुनना चाहते हैं हम लोग, मतलब बाकी को सुनाना नहीं चाहते हैं। आज सुबह कमेंट किया किसी ने, मैं देख रहा था कि सर आपके स्टूडेंट आपसे जलते हैं, आपके स्टूडेंट चाहते हैं आप प्रीशियस हैं और ना शेयर करना नहीं चाहते वो आपके सो किसी के साथ, बिल्कुल बात सही है दोस्त, वही डिसलाइक करते हैं, मतलब आप देखेंगे ना एक कॉमन फॉर्मेट देखेगा आपको डिसलाइक में, तो वो जो कुछ लोग हैं बताते हैं मुझे आके, सर हमने स्ट्राइक कर दिया आज सेशन आपको, वे सामने करते हैं खड़े होकर, कई बार वो लोग कहते हैं देखिए सर हम नहीं चाहते आप किसी और को अपना ज्ञान बांटें, हम चाहते हैं हमारे साथ रहें आप, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाती है मेरे साथ, मैं क्या करूं बताइए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहें, आप लोग शेयर करते रहें, जिससे उसका असर कम रहे, उन लोगों का असर कम रहे मेरे ऊपर। तो ऑक्सीजन के बारे में सत्यकथन पहचानना है आपको, क्या है सत्यकथन, पहला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये कहाँ से आ गया यार, ये गलत स्टेटमेंट है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 78 है, अरे वाह ये तो और गलत है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है, फोटोसिंथेसिस, ये कुछ सुना है आप लोगों ने, क्या होती है फोटोसिंथेसिस, सी आंसर पहले बता दिया आप लोगों ने यार, मुझे छोड़ा ही नहीं मेरे लाइफ कुछ आपने। पूजा कह रही है पबजी कह रहे हैं कि मेरी क्लास वेरी डिफरेंट है यार, पबजी आप नाम रखते हो क्लास मेरी डिफरेंट बोलते हो यार, मतलब कुछ तो सम्मान करो यार, पबजी खेलना बंद करो यार, मतलब एग्जाम में आप आ गए हो यार, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो यार, सीरियस कैंडिडेट बनो आप लोग, मेरी क्लास डिफरेंट होती है यार, ये लोग सब लोग कहते हैं, आप लोग एफलॉन बी वाले कहते हैं सर, बड़ा डिफरेंट होती है, और खासकर ये क्लास जो आप देख रहे हैं, ये तो मन की बात करता हूँ, इसमें तो फ्री रहता हूँ मैं आपसे बात करते हुए। चलिए तो हम बात करें, सी ऑप्शन आपको दिख गया होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगला ऑप्शन में टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं आपके साथ, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आपके साथ, 4 नंबर कहता है असत्य कथन की पहचान करनी है आपको, असत्य कथन की पहचान करनी है। गुड इवनिंग पंकोल, गुड इवनिंग डियर, अभी आप आए लेट आए हैं आप, असत्य कथन की पहचान करनी है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी सतह आरंभ होती है, हमारा एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड टू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस,
स्ट्रेटोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर या संताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और मौसम से घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा शोप मंडल में होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म ऑकर इन द ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, असत्य बचाना है, क्या बोलेंगे इसके बारे में, असत्य बचाना है, असत्य बचाना है आपको इसका, असत्य बचाना है आपको इसका आंसर। मज़ा आता है तो लाइक क्यों नहीं करते आप लोग यार, मतलब लाइक करके बाहर भग जाते हैं, मतलब देखते हैं इतने लोग हैं, व्यूज इतने लोग करते हैं, लेकिन लाइक वाइक कोई नहीं करता, मत करा करो यार, मतलब पसंद नहीं आता ना। देखो आपने व्यू किया, व्यू तो एंट्री हो गई, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा सेशन आपको, ये सीधा मतलब ये होता है कि आप आए, आपने देखा और देख के चले गए, यानी पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया तो फिर क्यों आप हैं और मैं क्यों हूँ इस क्लास के अंदर, बेहतर हम लोग ना रहें यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर आप आते हैं, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वरना माना जाएगा डिसलाइक किया है। तो अभी लोग डिसलाइक ज़्यादा कर रहे हैं मान के चल रहा हूँ, आप 5-6 हज़ार लोग देखते हैं और 100, 200, 500, 1000 लाइक कर भी दिए हैं, तो 4 हज़ार लोगों ने लाइक नहीं किया, मतलब वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं सेशन को। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम होता है, यदि आपको अगेंस्ट आपके खिलाफ ज़्यादा वोट हैं, मतलब आप पसंद नहीं किया जा रहा है। तो वह सीधी बात दोस्त, अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो सेशन बंद कर दिया जाए। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे आपके साथ। क्वेश्चन के आंसर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बी, यानी कि समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत नहीं है, क्षोभ मंडल होती है महत्वपूर्ण परत आपके लिए, ठीक है। उसकी ऊंचाई भी 30 होती है ना कि 13 होती है, याद रखेंगे 13 हाइट नहीं है इसका, इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी एवरेज हाइट भी ज़्यादा होती है। मनीष कह रहे हैं खतरनाक पढ़ाते हो, सर जी खतरनाक पढ़ाते हो यार, खतरनाक का मतलब क्या होता है दोस्त, मतलब हजार्डियस है, खतरनाक मतलब होता है गलत पढ़ा रहा हूँ, खतरनाक का मतलब होता है मारपीट की पढ़ा रहा हूँ, एक ऑप्शन होता है खतरनाक का कि मतलब मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ देशद्रोह आपको बना रहा हूँ मैं, आपको मैं मतलब उस टाइप का मैं बना रहा हूँ एंटी इंडिया बन जाओ आप, खतरनाक मतलब क्या है ये, तो खतरनाक मतलब समझा देना मुझे यार, बाकी लोग डर जाएंगे इसको देख कर ना। चलो आगे बढ़ते हैं आपके साथ। चलो चलो साइड चलती नहीं जी बातें आप लोगों से ना, बात रुकनी नहीं चाहिए हमारी, टाइम पास होना चाहिए, क्वेश्चन पर फोकस करें। क्वेश्चन क्या देखिए आपको समझ आया, क्वेश्चन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सारी मौसमी घटनाएं वहीं होती हैं। पांच लेयर कौन बताएगा फटाफट, पांच लेयर कौन कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, सबसे नीचे स्टार्ट करें फटाफट हम लोग यहाँ से, क्या क्या होती हैं बताएंगे मुझे, फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, यानी कहा जाए तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। पढ़ लीजिएगा मिल जाएगा एनसीईआरटी किताब में आपको पांच मंडल कौन कौन से हैं दोस्त। दीक्षांत में क्लास है, दीक्षांत वाले कहाँ से आ गए ऑनलाइन यार, तुम लोग ऑफलाइन क्लास करते हो ऑनलाइन में कहाँ से आ जाते हो, ऑनलाइन बैठा करो आराम से यार, ऑनलाइन क्लास सुनते हो तुम मेरी, वहाँ पर एंजॉय किया करो, यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों का ध्यान है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ऑफलाइन में सुन रहा हूँ उनसे, मुझे वहाँ पूछा करो सवाल मुझसे, वहाँ टाइम मिलता नहीं पूछने, कैसे पूछोगे। समताप मंडल सत्य कथन कौन सा मंडल का, बात सही आप लोग पूछेंगे सवाल, टाइम नहीं मिलता वहाँ बात करने का आप लोगों से। समताप मंडल के सत्य कथन कौन सा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्ट्रेटोस्फीयर, क्या बोलते हैं दोस्तों, ये परत समताप मंडल, ये परत बादल मौसम संघटनाओं से लगभग मुक्त होती है, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड स्ट्रेट वेदर फिनोमेना, ओजोन गैस की परत होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से, हानिकारक रेडिएशन कहूँगा एग्जैक्टली होना चाहिए, थोड़ा गैस कम हो गया वो गलत स्टेटमेंट हो गया, वो गैस नहीं होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए वहाँ पर क्या उसको, हानिकारक रेडिएशन विकिरण होना चाहिए, हानिकारक किरणें होना चाहिए वहाँ पर, तो शायद वो मिसप्रिंट हो गया है, हानिकारक रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों कुछ आइडिया, फाउंड मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, कुछ आइडिया आपको देंगे मुझे इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों ही ठीक हैं, याद रखेंगे। ये बात हो रही है स्ट्रेटोस्फीयर की, बात हो रही है समताप मंडल की, समताप मंडल कहाँ होता है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ज्योग्राफी का ज्ञान खोलेंगे आपके लिए, ज्योग्राफी का फोल्डर खोलेंगे, अभी ज्योग्राफी लेके चलेंगे, ज्योग्राफी कहाँ मिलेगी हमको, ज्योग्राफी बाहर है एनवायरमेंट, ये रही ज्योग्राफी का फोल्डर, चलना पड़ेगा एटमोसफियर में, संग एटमोसफियर एटीपी स्ट्रक्चर, ये रहा एटीपी स्ट्रक्चर, और अभी देखेंगे मैं संग खोल के, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कहाँ पर है, हम देख रहे हैं यहाँ पर किस साइड पर है, तो सबसे नीचे हमको दिख रही है कौन सी लेयर, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, क्षोभ मंडल के ऊपर चलती है क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के ऊपर होता है ओजोन लेयर वाला स्ट्रेटोस्फीयर, कहाँ से कहाँ तक, लगभग 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, 16,000 से लेकर 50,000 मीटर या 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला होता है स्ट्रेटोस्फीयर, हम कहते हैं अपना क्षोभ मंडल या समताप मंडल कहते हैं हिंदी में सुन लो, यहाँ दशाएं शांत होती हैं, ओजोन यहीं पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर इसके खत्म होता है वहाँ होती है स्ट्रेटोपॉज यानी कि समताप सीमा, याद रखेंगे इस सीमा में आप देख रहे हैं रेड लाइन आगे बढ़ रही है, रेड लाइन पॉजिटिव हो रही है यानी कि रेड लाइन क्या है, तापमान,
तापमान पहले लाइन में कम होता है, फिर तापमान बढ़ने लगता है सेकेंड लेयर में। ट्रोपोस्फेयर में तापमान कम होता जाता है, तापमान कम होता है हवा में और फिर तापमान बढ़ने लगता है ड्यू टू ओजोन लेयर, तापमान बढ़ता है स्ट्रेटोपॉज तक। तो याद रखेंगे इसको हम लोग, तापमान कम होना और ज़्यादा होना। पिटारा यार भानुमति का पिटारा लगभग हो गई यार मतलब। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। वैभव कह रहे हैं सर स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर लेवल पर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स मिलते हैं जो ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटो तक आ जाते हैं, इसलिए उसे फ्री ऑफ क्लाउड्स नहीं कह सकते। मैंने कहा दोस्त क्वेश्चन मेरा देखिए आप, फ्री ऑफ क्लाउड्स मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है लगभग मुक्त होते हैं। तो लगभग मुक्त होते हैं, पहली बात तो आप जो पर्ल ऑफ क्लाउड्स की बात कर रहे हैं थोड़ा जानते होंगे आप, जो पर्ल ऑफ क्लाउड्स होते हैं वो रेयर क्लाउड्स कहलाते हैं। थोड़ा ज्ञान मैं भी दे दूंगा आपको यहाँ पर, रेयर क्लाउड्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। वो जो रेयर क्लाउड्स का मतलब होता है बहुत विरले बादल जो मिलते हैं मुख्यतः पोलर पर आपको, और पोलर पर जो मिलते हैं बादल उनसे बनती है आपकी जो ओजोन लेयर है, जो छेद होने का जो कारण है वो यही बादल होते हैं। थोड़ा रेयर है अपने आप में फिनोमेना, ये रेयर बादल भी कहते हैं उनको हम लोग। और ऐसे में कहा लगभग, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, लगभग कम हो जाते हैं। वह मेरा आंसर आपको मिल गया, उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होगी स्थिति आपकी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। थैंक यू अभिलाष, थैंक यू सचिन, थैंक यू दीप्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगले क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 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 गिव मी आंसर। शिखा क्या पूछ रही हैं आप, शिखा का क्वेश्चन क्या है, शिखा क्वेश्चन कहाँ के ढूंढना पड़ेगा शिखा मुझे आपका क्वेश्चन अब, तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिए शिखा आप क्वेश्चन है। समता मंडल सत्य कथन कौन सा, ये अपने बाद क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 6 पे आएंगे आपके साथ, 6 नंबर। सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित क्या है। ताप मापी तापमान मापता है, वायुदाब वायुदाब मापता है, वर्षा में वर्षा मापता है। तो बचा क्या इसके अंदर, क्या बोलते हैं सभी सही लग रहे हैं देखने में, तो इसका आंसर, इसका आंसर उपरोक्त सभी ठीक हैं, सभी ठीक लग रहे हैं यहाँ पर, चारों सही हैं। वात हवा की दिशा नापता है, दिशा नापता है हवा की। वैभव जी एस वर्ल्ड में मुझे मिले थे आप, अच्छा जी एस वर्ल्ड में पढ़ते हैं मुझसे, ठीक है वैभव तभी आपने कहा पर्ल ऑफ क्लाउड्स, आप सुना मुझे आपको वहाँ पर आपने मुझे, मैं कहीं बताता हूँ ओजोन लेयर पढ़ाता हूँ मैं आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट में, तो बताता हूँ कि पर्ल ऑफ क्लाउड्स कहाँ होते हैं एग्जैक्टली, तभी आपने छेड़ा सवाल। थैंक यू, ओके वैभव उम्मीद करता हूँ आंसर आपको मिल गया होगा मेरा, मैंने वादा किया था अब डाल दूंगा आपको मैं कॉमन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यार ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बाहर निकल जाओ आप यहाँ से, समस्या बहुत कर रहे हो आप मेरे लिए, तो आप बाहर जाइए, मुझे यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाने दीजिए अपने यार। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है सब लोग लिखो बॉयकॉट ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। पवन के विषय में सत्य कथन है, पवन के विषय में सत्य कथन क्या है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु गति को पवन कहते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड चलती है उसे पवन कहते हैं, सही लग रहा है सुनने में दोस्तों ये तो। स्थायी पवन वर्ष भर लगातार दिशा में चलती रहती हैं, परमानेंट विंड सनातन पवन कहते हैं हिंदी में, कई बार सनातन पवन या परमानेंट विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम थ्रू द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जी हाँ ट्रेड विंड्स होती हैं या आपकी वेस्टर्लीज होती हैं या पोलर विंड्स होती हैं, पारिक पवने पश्चिम पवने होती हैं, वो सब चलती रहती हैं साल भर ये। फिर किसी ने पूछा पीडीएफ यार मतलब क्यों भंग कर रहे हो मेरा ध्यान आप लोग, यार मैं ब्लॉक कर दूंगा, सही कह रहा हूँ, किसी ने पीडीएफ बोला ब्लॉक कर दूंगा उसको मैं, ठीक है मैं अपने नीम गाइड कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, किसी ने पीडीएफ बोला ना तो ब्लॉक कर देना उसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है मत करना यार। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो पहला स्टेटमेंट आपको दिख गया होगा यहाँ पर वायु गति पवन कहते हैं, ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है, तीसरा क्या है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर तय होता है, कहाँ से आ रही है पवन उसके आधार पर तय होता है, क्या बोलते हैं दोस्तों सभी ठीक लग रहे हैं, सभी सही हैं। पवन की दिशा फटाफट चलता हूँ मैं आपको अपने फोल्डर में लेकर, ज्योग्राफी फोल्डर में लेकर, ज्योग्राफी खुला हुआ ज्योग्राफी फोल्डर, पवनों की बात कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर, तो प्रेशर बेल्ट की बात करें फटाफट हम लोग यहाँ पर, इसमें पवने पवने ये रही पवने आपके काम आ जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तीन प्रकार की विंड्स होती हैं, सबसे पीछे में देख रही हैं आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, फिर होती हैं पश्चिम पवने बछुआ पवने कहते हैं, फिर होती हैं पोलर विंड्स या हम कहते हैं उनको ध्रुवीय पवने, जिस दिशा से आ रही होती हैं, जिस दिशा से आ रही हैं मतलब जैसे पिंक वाली आपको दिख रही है स्क्रीन पर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसको कहा गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सनातन पवने होती हैं, साल भर चलती हैं विशेष दिशा के अंदर, साल भर चलती रहती हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये हाई से लो की ओर चलती रहती हैं, आप देखेंगे स्क्रीन में संग यहाँ पर हाई टू लो चल रही हैं आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर, अभी मेरे ये ग्राफ और दिखा रहा हूँ मैं, फ्रॉम एच टू एल एच टू एल एच टू एल एच टू एल और एच टू एल हाई टू लो चलती हैं साल भर सनातनी पवने कहते हैं इनको हम लोग, सनातनी पवने कह लीजिए, स्थाई पवने कह लीजिए, ट्रेड विंड्स कह लीजिए, परमानेंट विंड्स कह लीजिए, सबका मालिक एक और वो है अपनी सनातनी पवने यहाँ पर। हो पाएगी दोस्तों बात हमारी यहाँ पर, इनके नाम इनके डायरेक्शन के आधार पर होते हैं, तीन सेल होते हैं हेडली फेरल और पोलर सेल। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा आपको टॉपिक ये।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतिभा, थैंक यू सतीश, थैंक यू अनिकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, फटाफट देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो ऑफलाइन वाले बग गए मेरे सारे, हाँ ये अच्छी बात है, चले गए सब लोग यहाँ से। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आऊँगा मैं आपके साथ। 8 नंबर पर है असत्य कथन है। होता क्या ना दोस्तों, ना जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो सीरियस मानते हैं, मतलब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर सीरियस नोट पर, सीरियस तरीके से अनुशासन में रहकर, लगता नहीं सर कैसे हो, यहाँ देखते हैं मुझे अलग तरीके से, तो बड़ा उनको समस्या नहीं हो रही है कि हो क्या रहा है यार ये, मतलब सर यहाँ तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, बड़ा डांट फूट के पढ़ाते हैं और मतलब, और ये ऑनलाइन में सर ऐसा मन की बात करते रहते हैं पूरे टाइम अपनी, तो समझिए आपको, आप सब हिंदू देखते होंगे, हिंदू का सेशन आपने देखा होगा और सेशन आप 12 घंटे में अंदर देखेंगे मेरे, तो आपको स्प्लिट परसेंट दिखाई देगी बकायदा यहाँ पर कि सुबह 8 बजे सर कुछ और होते हैं, शाम में 8 बजे कुछ और होते हैं। तो मैं आपको पहले भी PDF पूछा यार, मतलब हद हो गई यार, मैं सबके नाम नोट करूँगा, सबको ब्लॉक करूँगा रात को बैठकर, ठीक है? तो चलो याद करें PDF, थैंक यू, मैं बता दिया आपने मुझे, याद दिला दिया, मैं उम्मीद करूँगा रात को दे पाऊँगा। तो मैं बोल रहा था आपसे, सुबह हिंदू सेशन देखा, हमने बात की, देखिए जैसा इसका टेस्ट होता है, जैसा इसका टेक्सचर होता है जिस सेशन का, वैसे मैं करने का प्रयास करता हूँ। MCQ बहुत थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाएगा, मैं सीधा आंसर बता दूंगा आपको, काम खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता रहे, और एक्स्ट्रा ज्ञान तब आएगा जब मैं कुछ बात कहूँगा आपसे, बात जोड़ूंगा अपनी, पढ़ाने वाले मूड में आऊँगा। वरना MCQ मैंने क्यों चेंज किया, आपको समझ में आया होगा MCQ चेंज किया सेशन मैंने, मैं क्यों 9 बजे से 8 बजे लेकर आया इसको, और क्यों 9:30 वाले को सेशन को 7:45 लेकर आया, क्योंकि मैं चाहता डिस्कस करना आपसे, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन बात कर पाएँ, उन क्वेश्चन का एक्स्ट्रा ज्ञान दे पाऊँ मैं आपको यहाँ पर, जो नहीं हो पा रहा था उन 9 बजे या 9:30 बजे के सेशन। प्रेशर होता टाइम का, स्टाफ भी होता है, सुबह से लोग कैबिनेट बैठी होती है हमारी, फ्रेश होता टाइम का, मैं चाह रहा हूँ इस सेशन को आपको और अच्छा करें हम लोग समय के साथ। तो समझ आ गया क्वेश्चन आपको, यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 नंबर है। थैंक यू दोस्त, यार ये PDF वाले पीछे पड़ गए हैं। वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, अच्छी बात है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, गर्म होती है जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक लग रहा है सुनने में। जलवाष्प संघनित होकर द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर क्लाउड आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ऑफ ड्रॉपलेट, बादल इन्हीं बूंदों जल बूंदों का समूह होते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताएं मुझे, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा दोस्त का आंसर। थैंक यू हेमलता, थैंक यू दोस्तों, यार बेस्ट मत कहा करो ना, बेस्ट तो भी आना बचा है मेरा, मालूम है आपको, अभी तो बेस्ट देखा कहा है आपने मेरा, मतलब अभी तो आएगा, मैं खुद इंप्रूव कर रहा हूँ अभी तो, अभी तो धीरे याद पड़ रही है मुझे कैमरे की ना, अभी तो बेस्ट जब आएगा जब मैं कैमरे के आदी हो जाऊँगा, कैमरे के सामने बोलना आ जाएगा मुझे, तो बोलना सीख रहा हूँ कैमरे के सामने मैं। 12 साल से पढ़ाते हो ना, एक ही तरीके से क्लास में आए, अपना बैग टांग कर पढ़ाया, चालू किया, बोल के चले गए, तो ब्रश स्विच करने में टाइम लग रहा है, 1.5 महीने नहीं हुए तो यार मुझे यहाँ पर, अभी तो बेस्ट आना बचा है मेरा, देखेंगे हम लोग। चलिए तो बात करें हम लोग आपके साथ, आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं मुझे इसका, डी बता रहे हैं सब लोग मुझे, कोई असत्य नहीं है, सब सत्य कथन है, ये कैसे हो सकता है, सभी के सत्य हैं, इसका आंसर है डी, जी हाँ सबने सही बताया है, सभी लोग पूजा अंजलि शिखा जसमिन ललितेश रानी अंचल सुनील प्रिया सबका आंसर ठीक है, सब श्रोताओं की बात सही चल रही है, ऐसा लगता है आकाशवाणी पढ़ रहा हूँ जैसे मैं, हमारे श्रोताओं ने खत लिखा है और हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है पढ़ने में यार, चलो अच्छी बात है, वो भी एक दिन थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, क्रियाविधि आधार पर वर्षा के प्रकार होते हैं, क्रियाविधि आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इजी है यार, इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं होना चाहिए था, संवहनीय पर्वतीय चक्रवर्तीय कन्वेंशनल ऑरोग्राफिक और साइक्लोनिक, ऑरोग्राफिक होना चाहिए वो, ऑरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक होना चाहिए, सही कर लेते हैं इसको, ऑरोग्राफिक रेनफॉल या साइक्लोन रेनफॉल, क्या बोलते हैं इसका आंसर, क्या बोलेंगे आप लोग। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, या तुमने वर्ल्ड के टीचर को सुना कहाँ पर मुझे बेस्ट बता रहे हो, मेरे प्रोफेसर थे यार IIT में, प्रोफेसर थे मेरे, और हमेशा बोलते थे कि, मतलब मैं उनको मानता आइडियल अपना, कि वो उनको हर चीज़ आती थी, मतलब उनको इवन अभी भी कुछ साल पहले तक वो जिंदा थे, अब तक उनको फ़ोन करके पूछो सर ये बताना है, तो हमेशा तैयार होते थे, मतलब उनसे कुछ ही पूछ सकते हो, मतलब उनको आप, मैं रात को 2 बजे फ़ोन कर दूँ सर नहीं समझ आ रहा है, तो यार मतलब आप भले वो मैकेनिक्स के टीचर थे, मैकेनिक्स के प्रोफेसर थे, उनसे आप कुछ ही पूछ सकते हो, पार्टिकल फिजिक्स स्पेस में डिफेंस में जो बात करनी करो, तो वो एक परफेक्ट टीचर मानता हूँ, मेरी स्थिति वो नहीं आई है अभी, तो बहुत छोटा हूँ मैं उनसे अभी तो, उन लोगों से, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको बता पाऊँ चीज़ें, हो पाएगा दोस्त, आंसर क्या होगा दोस्त, डी हमारा इसका आंसर होगा, डी 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 होगा इसका आंसर, सभी लोग सही कह रहे हैं, सभी का रिव्यू ठीक है, चलो आज फॉर्म में है, मतलब पढ़ के आए हैं आप लोग ना, पढ़ने लगे बेइज्जती बहुत होती है बिना पढ़े, इसका आंसर डी है जी, ठीक है इसका आंसर, ऐसे पढ़ते रहें दोस्तों, ऐसे ही मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे मुझे खुशी मिलती रहेगी, और आप मोटिवेट में और तब होंगे जब आप लाइक करेंगे इसको, तो बताना भूलिए कुछ देर से आपको मैं, लाइक शेयर करके जाइएगा ध्यान से बाहर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बातों कहते रहें, कुछ आलोचना भी होती रहे, ज़रूरी है कि आलोचना सुनना चाहिए आदमी तभी इम्प्रूव होता है, वरना आपको लगता है वो बेस्ट हो गया, ऐसे नहीं है, हमेशा इम्प्रूव करना ज़रूरी है आपको भी और मुझे भी। आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो ये मिल गया मुझे आंसर, संवनी पर्वतीय चक्रवर्ती क्या क्या होता है बता दूंगा, वर्षा जो नहीं जानते हैं। संवनी वर्षा कन्वेंशनल, पानी में भाप है, हवा है, पानी ऊपर, हवा ऊपर जाएगी, ठंडा होगा हवा, हवा ठंडी होगी, पानी नीचे गिर जाएगा, कन्वेंशनल, पानी नीचे गिर गया, कन्वेंशनल करंट। पर्वतीय हवाएं टकराएंगी पहाड़ों से, बारिश कर देंगी। चक्रवाती है साइक्लोनिक रेंज, साइक्लोन आता है और वो वर्षा करता है, तो तीनों आप जानते हैं इंडिया में होती हैं ये। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त राहुल रोहित मैं सही कह रहा हूँ, बहुत प्रोफेसर आज भी उनको याद करता हूँ मैं, अपने जीवन के सबसे अच्छे लोगों में मानता हूँ उनको मैं, उनको नॉलेज और उनका मैं क्या कहूँ पैशन पढ़ाई के लिए बहुत शानदार था। मतलब आप 80 ईयर्स के हो गए थे लास्ट तक आते आते, उनसे बात करो कभी भी पूछो, हमेशा रेडी, ऑलवेज रेडी आते थे वो। मतलब एक बार घटना हुई सुनाता हूँ मैं आपको, एक बार क्या हुआ कि एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन शब्द आया, मैंने अखबार में पढ़ा, कॉस्मिक इन्फ्लेशन वर्ड मिला मुझे, नासा ने क्रिएट, नासा ने जवाब दिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है मुझे बहुत ढूंढा, मैं सब रोज जानता था इंडक्शन था लेकिन बहुत कुछ नहीं जानता उसके बारे में, डिटेल चाहिए थी क्लास में बताना था, क्लास में आके तो आप चैलेंज होता है, क्लास में कोई कुछ तो पूछ देगा, क्वेश्चन दाग देगा। कॉस्मिक इन्फ्लेशन शब्द को मुझे बहुत ढूंढा नेट पर, गूगल पर, कुछ नहीं मिला उसके बारे में। मैंने फाइनली सर को फ़ोन लगाया रात को 1:30 बजे, मैंने कहा सर बता दीजिए कुछ हो तो आपके पास, उनके पास पूरा थीसिस था उसको लेकर, वो सुनाते सुनाते 20-25 मिनट सुना दिया उन्होंने मुझे, मैं कहता था तो क्लास में उठ लाऊंगा सर। आप समझ सकते हैं ऐसे लोग जो उनको रिसर्च अभी हुई है, उनके पास अभी से तैयार है वो चीज़, वो नॉलेज का लेवल होता है लोगों का, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने अभी। तो क्रियाविधि आधार पर वर्षा के प्रकार होते हैं दोनों, सभी सही आंसर इसके। चलिए आंसर पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, रेडियो संचार के लिए किस लेयर का यूज किया जाता है, किस स्तर का यूज किया जाता है, बहिर्मंडल, संताप मंडल, मेजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, क्या बोलेंगे दोस्तों इसका आंसर कुछ है आपके पास। एस के ध्रुवकर पूछ लो आराम से यार, डांट खाओगे तो डांट खा लोगे और क्या होगा। पूजा कह रही है कि सर आपको चाणक्य की आवाज़ देनी चाहिए, यार चाणक्य बहुत शातिर इंसान था यार, मैं तो शातिर नहीं हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ यार, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, आपको चाणक्य लग रहा हूँ, हद हो गई यार। मतलब चाणक्य यार शिक्षा में, शिक्षा में नहीं था चाणक्य, चाणक्य राजनीति में जाना जाता है, चाणक्य पढ़ाई के लिए जानते, चाणक्य की शिक्षा नहीं है, चाणक्य राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था तो उसके जानते हैं लोग उसको, प्रैक्टिकल राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर मैं कहूँ अच्छा रहेगा। मेजोस्फेयर की बात करें, मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर में आशीर्वाद ही रहने दीजिए मुझे आप, कोई उपाधि मत दीजिए, मनोपाधियाँ छीन लेते हैं लोग आजकल, वापस लौटानी पड़ती हैं सरकार के सामने। मेजोस्फीयर क्या बताएंगे मुझे आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर दोस्तों। किसी ने कहा बी बी बी, सब लोग बी कह रहे हैं, मिस्टू कह रही हैं ए है, सब बी कह रहे हैं इसका आंसर, चेतन भी कह रहे हैं ए, क्या है इसका आंसर देखें आपके साथ, इसका आंसर ए है दोस्तों, यानी कि थर्मोस्फेयर, आयन मंडल होना चाहिए था वहाँ पर, थर्मोस्फेयर तापमंडल होना चाहिए था वहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, इसका हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, मैं देख लूँगा इसका आंसर, इसका आंसर है ए दिया गया हमको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के, कैसा लगा सेशन आपका, प्लीज़ शेयर कमेंट लाइक कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे आपको कैसा लगा सेशन, जितने लोग देखते हैं मैं मान के चलता हूँ उतने लोग लाइक नहीं आते, मान के चलता हूँ कि सेशन आपको अच्छा नहीं लगा है। तो याद रखिएगा कल मैं फिर से बता दूँ आपको, ज़रूरी सूचना है, ज़रूरी सूचना स्पेशल नोट के साथ सबटाइटल के साथ, कल हमारा सेशन 7 बजे होगा जिसमें पूरे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, मैपिंग के क्वेश्चन होंगे आपके साथ, सेकेंड उसमें कुछ एनसीईआरटी का चैप्टर भी शामिल करूंगा, पढ़ना नहीं एनसीईआरटी आपको, जो पढ़ा है आपने 4 क्लासेस में एनसीईआरटी की, इसी में से कुछ क्वेश्चन निकालूंगा थोड़े टफ लेवल के, थोड़े यूपीएससी लेवल के, इस प्रकार के ऑफकोर्स Grade 4 के एग्जाम के नहीं निकालूंगा, Grade 3 नहीं, Grade 3 नहीं, Grade 1 बात करें, यूपीएससी से बात मैं करूंगा आपसे, ये हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं इसलिए मजाक करता रहता हूँ आप लोगों से, मैं आप समझ सकते हैं आप लोग मजाक क्यों करता हूँ मैं आपसे, लेकिन जरूरी है जब सीरियस नोट पर एनसीईआरटी चालू होंगी 8th, 9th, 10th की हैवी एनसीईआरटी आएंगी तो हमारा क्लास का मोड, एक क्लास का टेक्सचर भी थोड़ा चेंज होता दिखाई देगा आपको। दोस्तों हाल फिलहाल के लिए मैं आपकी क्लास यहाँ रोकूंगा आज, उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो, बाकी शुभरात्रि मिले आपको, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल आपके साथ सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभरात्रि, जय हिंद।